भारत में बाघ संकटग्रस्त प्रजातियों में से एक है। लुप्त होती इस प्रजाति की सुरक्षा एवं संवर्धन हेतु भारत सरकार द्वारा 1 अप्रैल 1973 को राजस्थान के कैलाश शांखला के नेतृत्व में कॉर्बेट नेशनल पार्क से प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई। वर्तमान में देश के 18 राज्यों में 53 बाघ संरक्षण उद्यान हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य नागार्जुन सागर आंध्र प्रदेश में है, जबकि सबसे छोटा पेंच मध्य प्रदेश में है। बाघों की गणना 2 प्रकार से की जाती है, पगमार्क विधि एवं कैमरा ट्रिप विधि। पगमार्क विधि एक अवैज्ञानिक विधि है जिसमें बाघ के पंजों के निशान की गणना की जाती है। कैमरा ट्रैप विधि एक वैज्ञानिक विधि है जिसके द्वारा ज़्यादा बेहतर गणना हो पाती है। भारत सरकार ने वर्ष 2010 में बाघों की निगरानी के लिए एक सॉफ्टवेयर आधारित प्रोग्राम एमस्ट्रिप्स प्रारंभ किया। प्रत्येक 4 वर्ष में राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण द्वारा पूरे भारत में बाघों की जनगणना की जाती है। वर्तमान में इनकी संख्या 2500 के ऊपर है। इनकी संख्या सबसे अधिक मध्य प्रदेश में है। 2010 से प्रतिवर्ष 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के रूप में मनाया जाता है। कैलाश शांखला को भारत में बाघों पर किए गए अपने कार्यों के लिए टाइगर मैन ऑफ इंडिया के रूप में जाना जाता है।